हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो आज हम आपको एक्सरसाइज 3.3 के बारे में बताएंगे। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, केवल थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेट करना है और इस एक्सरसाइज को आप इजीली कर सकते हैं। पिछली एक्सरसाइज के अंदर हमने आपको कार्तिकीय तल के बारे में सभी बताया था कि उसमें ऊर्ध्वाधर रेखा होती है और एक क्षैतिज रेखा होती थी, और उसमें एक्स जो अक्ष है उसको हम कोटि कहते थे और वाई एक्स को भुज कहते थे। इसके बारे में पिछली वीडियो में विस्तार से इसका वर्णन किया गया था। आज आपको केवल जो क्वेश्चन है उसके अंदर बिल क्लियर जो है ड्रा किया हुआ है, जो कार्तिकी तल है उसके अंदर ये बताया गया है। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, और ये आपका वाई हो गया, यहाँ पर एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपको दिया हुआ है। इसके अंदर ये आप सभी जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पहला चतुर्थ अंश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। ये आप सभी पिछली वीडियो में इसके बारे में आपको बताया था, क्लियर कर दिया था सारा। अभी आप यहां पर -1, यहां भी -1, -1, -2, -3, -4, -5 और -6, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, इस प्रकार से ये बताया गया है। यहाँ पर आपको कुछ चतुर्थांश दिए गए हैं जिसके अंदर पॉइंट दिए गए हैं, जैसे एक्स की वैल्यू 1 दी हुई है और वाई 2 दिया हुआ है, तो एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 1 और 2, ये दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में आपका दिया हुआ है एक्स तो 0 दिया हुआ है और वाई जो है -1 दिया हुआ है, सॉरी एक्स -1 है और वाई 0 है, तो ये पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा -1 और 0। दूसरा है, इसी में दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और प्लस के 4 दिए हुए हैं, तो यहाँ पर ये 2 हो गया, आप ऊपर जाएंगे और 4 यहाँ पर आ गया अब जमा के, तो ये लगभग यहाँ ये पॉइंट आ गया इसमें, और ये दिया हुआ है -2 और 4, ये दिया हुआ है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट ये आ गया, थर्ड चतुर्थांश के अंदर, थर्ड चतुर्थांश में दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और -5, एक्स की वैल्यू जो है -3 और वाई की वैल्यू -5, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 3 यहां, यहां से और ये इसका 5, तो ये -3 और -5, ठीक है। और एक चौथे जो क्वाड्रेंट है उसमें दिया हुआ है एक्स की वैल्यू 3 दी हुई है, जमा की 3 और वाई की वैल्यू -1, तो ये 3 और -1, ये सभी पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें आपने केवल ये बताना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में, फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर दिया हुआ है बिंदु बिंदु -2 और 4 किस चतुर्थांश में है, कोण से में है, देखिए 2 और 4, ये रहा -2 और 4, तो किस में है, चतुर्थांश सेकंड में है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है माइनस, इसमें बिंदु 3 और -1, 3 और -1, देखिए चेक करिए कहाँ है 3 और -1, ये रहा, तो कौन से में है, ये चतुर्थांश कौन से में है, फोर्थ में है, बिल्कुल ठीक है।
तो यहां लिखेंगे चतुर्थांश फोर्थ में है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट जो है वो दिया हुआ है बिंदु माइनस एक और जीरो किस अक्ष पर है ये बताना है। अभी अक्ष कौन सा है कि एक्स जो है वो कौन सा एक्स पर है बताइए। तो ये एक्स एक्स पर है, देखो एक्स के ऊपर है, ठीक है ना। ये जीरो है, वाई जीरो, वाई के ऊपर नहीं है ना पॉइंट, ये एक्स के ऊपर है। तो यहां पर लिखेंगे ऋण, ऋण का मतलब है माइनस का, एक्स अक्ष पर है, ये हो गया। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है कि बिंदु एक और दो, एक और दो जो है वो कौन से चतुर्थांश में है। चतुर्थांश एक में है। इसमें आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यदि दोनों x की वैल्यू और y की वैल्यू जमा की है तो पहले क्वाड्रेंट में होगा, और यदि x की वैल्यू घटा है और y की वैल्यू जमा है तो सेकंड में होगा, और दोनों यदि घटा के हैं तो थर्ड में, और x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। और तीसरा जो है लास्ट इसका फिफ्थ पार्ट जो है वो दिया हुआ है कि बिंदु जो है माइनस तीन और माइनस पांच, माइनस तीन और पांच जो है कौन से चतुर्थांश में है। चतुर्थांश थर्ड में है। ये आपको इस प्रकार से इसके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और एक क्वेश्चन आपको मैंने इसमें पॉइंट दिए हुए हैं उसको आपने रिप्रेजेंट करना है, और इस एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी और इसका सेकंड पार्ट है वो क्वेश्चन भी, दोनों क्वेश्चन आपने फेयर नोटबुक में कंप्लीट करके और मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर सेंड करनी है। थैंक यू, हैव नाइस डे एंड बाय बाय।